बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने हाल ही में डांस रियलिटी शो डांस प्लस सीजन 5 में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया। शूटिंग के दौरान डांसर ने बहुत अलग अलग स्टाइल का डांस पेश किया, जिससे मिथुन दा बेहद प्रभावित हुए। वर्सेस स्टाइल मिथुन चक्रवर्ती ने जब प्रतियोगिताओं के संघर्ष की अलग अलग कहानियां सुनी तो उन्हें भी पहली बार मुंबई आने के बाद के अपने संघर्ष के दिनों की याद आ गई। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती का नाम असल में गौरांग चक्रवर्ती है, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में मिथुन चक्रवर्ती के नाम से ही जाना जाता है। मिथुन चक्रवर्ती उन शख्सियतों में शुमार हैं जिनका ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा और ना ही इंडस्ट्री में कोई ग्रैंडफादर, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई और अब तक वो 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। उनका सबसे मुश्किल वक्त 1993 से लेकर 1998 के बीच था, जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। इस दौरान उनकी 133 फिल्में फ्लॉप हुई थी, इसके बावजूद उनका स्टारडम डायरेक्टर्स पर छाया रहा। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मिथुन चक्रवर्ती की वो 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड जो शायद अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है और ना ही कोई तोड़ पाएगा। इन रिकॉर्ड के बारे में आपकी क्या राय होगी और कौन इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो सबको पता है, जी हाँ, पहली फिल्म मृग्या के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। ऐसा अभी तक किसी एक्टर के साथ नहीं हुआ है जिसे पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया हो। 1976 में आई मृग्या एक सुपरहिट फिल्म थी जिसके लिए मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। वहीं अगर मिथुन चक्रवर्ती के दूसरे सबसे बड़े रिकॉर्ड की बात की जाए तो उनकी 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर 100 करोड़ के ऊपर की कमाई कर गई थी। उस दौर में जो फिल्में आती थी वो ज्यादा से ज्यादा 60 या 70 करोड़ रुपए कमाती थी और वो फिल्में सुपरहिट हो जाया करती थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की वो पहली फिल्म थी डिस्को डांसर जिसने 100 करोड़ का रिकॉर्ड पार कर दिया। हालांकि आज 100 करोड़ पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दौर में 100 करोड़ पार कर देना बहुत ही बड़ी बात थी। अब बात कर लेते हैं तीसरे सबसे बड़े रिकॉर्ड की। उनका तीसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने 1998 में 19 फिल्में की हैं, मतलब कि एक साल के अंदर 19 फिल्में। हालांकि उनमें से कुछ फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन एक साल के अंदर 19 फिल्में करना कोई आसान बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है मिथुन चक्रवर्ती के 3 रिकॉर्ड में से कोई भी रिकॉर्ड कौन एक्टर तोड़ सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।